आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्यंजक 1 डिवाइड बाय रूट ओवर 4x प्लस 1 और 1 प्लस रूट ओवर 4x प्लस 1 टू द पावर 7 माइनस 1 माइनस रूट ओवर 4x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 पावर 7 x की किस घात का बहुपद है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। हमने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4x प्लस 1 और इसको हमने अलग अलग लिख दिया 1 बाय 2 प्लस रूट ओवर 4x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 होल टू द पावर 7 लिख लिया, माइनस इसको हमने लिख लिया, ये होल टू द पावर 7 है यहाँ पे, माइनस 1 बाई 2 माइनस रूट ओवर 4x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2 होल टू द पावर 7 यहाँ पे, ये 7 है ठीक है। तो इसको हमको अरेंज करना, अभी हमने क्या कर लिया, लेट p का वैल्यू मैंने मान लिया 1 बाई 2 और q को मान लिया रूट ओवर 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मान लिया। तो अब हमारा ये क्वेश्चन जो था वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, अगर रूट ओवर 4x प्लस 1 का वैल्यू निकालोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 2q के इक्वल हो जाएगा। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2q लिख लिया, क्योंकि रूट ओवर 4x प्लस 1 का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 2q के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया p प्लस q की पावर 7 और माइनस p माइनस q की पावर 7 आ गया ठीक। अभी ध्यान से देखना आप कि अगर मान लो हम जब x प्लस वाई का पावर n का एक्सपेंशन करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आता है, एन सी जीरो एक्स वाई की पावर जीरो, फिर एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन, यहाँ पे x की पावर n आ जाएगा, x की पावर n माइनस वन y की पावर वन, फिर एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू y की पावर टू, ऐसे आता है एंड सो ऑन। तो हमको क्या करना है, उसी हिसाब से अगर मान लो आप p प्लस क्यू का वैल्यू आप लिखोगे, p प्लस क्यू की पावर 7 का वैल्यू अगर आप लिखते हो तो ये हमारा वैल्यू क्या आएगा, p प्लस क्यू की पावर 7 का वैल्यू, तो 7 सी 0 p की पावर 7 q की पावर 0 प्लस p c 1 7 c 1 7 c 1, ये आपका आ जाएगा 7 7 c 1, फिर p की पावर 6 और q की पावर 1, फिर 7 c 2 p की पावर 5 q की पावर 2 एंड सो ऑन। आपका लास्ट वाला जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, प्लस सो ऑन 7 c 7 p की पावर 0 और q की पावर 7 आएगा। अगर हम लोग p माइनस q निकालेंगे तो p माइनस q की पावर 7 का वैल्यू क्या आ जाएगा, जहां जहां q हमारा वैल्यू पॉजिटिव में आया है वहां वहां नेगेटिव हो जाएगा बस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 7 c 0 p की पावर 7 और q का वैल्यू 0 माइनस q को आ जाएगा, तो वो तो पावर 0 है तो 1 ही हो जाएगा वहां पे, फिर 7 c 1 p की पावर 6 और यहां हो जाएगा माइनस q, फिर एंड सो ऑन आपका वैल्यू आ जाएगा 7 c 7 p की पावर 0 और माइनस q की पावर 7 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो इन दोनों वैल्यू को, मान लो ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों वैल्यू को अगर आप यहाँ पे पुट करोगे यहाँ पे तो हमको क्या मिलेगा, जो भी पॉजिटिव वाला टर्म्स है इक्वेशन 2 का वो माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब आप माइनस करोगे तो इसका नेगेटिव वाला टर्म्स इसके सामने माइनस लगा हुआ तो प्लस में बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव वाला टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएगा। तो पॉजिटिव वाला टर्म्स कौन कौन सा आएगा, यहाँ पे दूसरे वाले इक्वेशन में जहां q पावर इवन है तो q की पावर इवन वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या, इसका ऑड वाला टर्म्स और इसका ऑड वाला टर्म्स ठीक, किसका ऑड, q का ऑड वाला टर्म्स, q के पावर जहां पे जहां जहां भी ऑड टर्म्स लिखा हुआ, जैसे ये q के पावर 1 है, q के पावर 3 है, q के पावर 5 है, जहां जहां ऑड टर्म्स आएगा वो ऐड हो जाएगा, दोनों इक्वेशन में ऐड हो जाएगा। तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, इनको ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा। फिर ऑड वाले टर्म्स को मैंने लिख लिया, तो लिखोगे तो आपका वैल्यू आएगा 7c1 p के पावर 6 q के पावर 1 प्लस 7c3 p के पावर q के पावर आपका 3 हो जाएगा, p के पावर आपका हो जाएगा 4, फिर 7c5 आएगा p के पावर 2 और q के पावर 5, और आखिरी टर्म्स हमारा आएगा 7c 7c7 p के पावर 0 q के पावर 7, ये हमारा वैल्यू मिलेगा। अब यहां से देखो 2 हमने जो कॉमन लिया था, ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा ठीक।
इसके बाद अगर हमको वैल्यू क्या निकालना है, सभी जगह से क्यू कॉमन ले लेते हैं, सब जगह से क्यू एक और कॉमन लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7c1p की पावर 6 प्लस 7c3p की पावर 4 क्यू स्क्वायर प्लस 7c5p स्क्वायर q की पावर 4 हो जाएगा प्लस 7c7q की पावर 6 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है कि x का कौन सा घात का बहुपद होगा, तो कौन से घात का बहुपद होगा, तो मतलब हमारा p तो कांस्टेंट है, p का वैल्यू 1/2 है, q से ही तो डिसाइड होगा, तो q का हाईएस्ट पावर आपको देखना है, q का हाईएस्ट पावर कहाँ है, यहां दिख रहा है, तो जब यहां दिख रहा है तो आप क्या करोगे, यहां रख दो, यहां अगर आप रखोगे तो वही उसी घात का तो बहुपद निकल के आएगा, तो अगर क्यू के पावर सिक्स अगर मानो यहां रख दो, 7c7 का वैल्यू हमारा हो जाता है 1, तो यहां अगर आप रखोगे तो हमारा वैल्यू क्या मिलेगा, बाकी को भी आप चाहो तो रख लो, ये हो जाएगा 7p की पावर 6 आ जाएगा, फिर 7c3p की पावर 4 q² आ जाएगा, फिर 7c5p² q की पावर 4 हो जाएगा, और 7c7 का वैल्यू होता है 1, तो क्यू की पावर 6 रखोगे तो यहाँ पर वैल्यू जो मिलेगा आपका रूट ओवर 4x+1/2 होल टू द पावर 6 मिलेगा। तो जब इसका पावर 3 करोगे तो ये रूट हट जाएगा, तो मतलब क्या मिलेगा आपको, 4x+1 की पावर 3 मिलेगा। तो 4x+1 की पावर 3 का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे 7p की पावर 6 प्लस 7c3p² q की पावर 4 पी की पावर 4 क्यू स्क्वायर प्लस 7c5p² q की पावर 4 प्लस यहाँ आपको मिल जाएगा 4x+1 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 है तो 6/2 करोगे तो 3 आ जाएगा और इंटू 1/2 की पावर 6 आ जाएगा। तो जब इसको ओपन करोगे ना तो इसका हाईएस्ट पावर क्या मिलेगा, x का 3 मिलेगा, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आप लगाओगे तो यहाँ से x का 3 घात का बहुपद मिलेगा। तो बस हमको वही बताना था कि कितने घात का बहुपद मिलेगा, इसको आप चाहो तो ओपन भी कर सकते हो, बाकी हमको जरूरत नहीं, इसे छोटे ही वैल्यू मिलेंगे हर जगह, इसको आप ओपन करोगे तो a क्यूब यानी 4x³ + 1³ ठीक प्लस 3a²b 3 × 4x² × 1 + 3 × 4x² और फिर होल डिवाइड बाय 2 की पावर 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा हाईएस्ट पावर क्या मिल रहा है, x का 3 मिल रहा है, बाकी जगह आप देखो ना q का वैल्यू अगर आप यहाँ 4 रखोगे तो स्क्वायर करोगे तो वहाँ स्क्वायर मिलेगा, यहाँ q स्क्वायर है तो यानी x का पावर 1 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके इस बहुपद में जो वैल्यू आपका मिलेगा वो हाईएस्ट पावर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 घात का बहुपद ठीक, ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।